पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने जिला अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष संचालन समिति दिनेश मणि मिश्र के नेतृत्व में मंगलवार को गोलघर चेतना तिराहे से कैंडल मार्च निकाला। हाथों में मोमबत्तियां लेकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए शिक्षक और कर्मचारी गोलघर की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर समाप्त किया। इस अवसर पर कैंडल मार्च में राजेश पांडे, अजय पांडे, संजय पासवान, शिवमूर्ति राय, ज्ञान प्रकाश राय, तारकेश्वर शाही, अमरेंद्र शाही, अवधेश निषाद, अनिल यादव सहित भारी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष संचालन समिति दिनेश मणि मिश्र ने कहा, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति गोरखपुर। हम उत्तर प्रदेश के 18 लाख शिक्षक कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलनरत हैं। 1 अप्रैल 2004 से हम शिक्षकों कर्मचारियों का पेंशन तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बंद कर दिया था, उसी समय से हम सभी लोग आंदोलनरत हैं और हम कर्मचारी और शिक्षकों की मूल मांग है कि किसी भी दशा में हम सभी को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम शिक्षकों और कर्मचारियों को नए पेंशन स्कीम लागू किए जाने का विचार सरकार ने किया है और उसे लागू करने का सार्थक प्रयास कर रही है। वह एनपीएस, हम लोगों को एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम किसी भी दशा में हम कर्मचारी और शिक्षक स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी होगा, अटेवा के दिशा निर्देशन में हम सभी कर्मचारी शिक्षक निरंतर आंदोलनरत और संघर्षरत हैं। हमारी भारतवर्ष की सरकार से, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार से यह मांग है कि किसी भी दशा में हम शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, जिससे हमारे परिवार का समुचित भरण और पोषण हो चुके। हमारी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम हर स्थिति में बहाल की जाए। ये हम लोग आज चेतना तिराहे पर कर्मचारी और शिक्षक इकट्ठे हुए, वहाँ हम लोगों ने अपना संक्षिप्त आम सभा की, उसके बाद पैदल मार्च करते हुए कैंडल मार्च के माध्यम से महात्मा गांधी की मूर्ति के पास हम लोग आए हैं। आज महात्मा गांधी भारतवर्ष की सरकार में इतने प्रासंगिक हो गए हैं कि जो कभी नाथूराम गोडसे को प्रासंगिकता को लेकर के जिंदा और मुर्दाबाद किया करते थे, आज महात्मा गांधी के प्रासंगिकता को स्वीकार कर लिए हैं। हम लोग भी निवेदन करते हैं महात्मा गांधी के चरणों में आकर के ये शांति का कैंडल जला करके कि आज सही हे महात्मन, इस सरकार को सद्बुद्धि दीजिए और हम शिक्षकों और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली कराने का योगदान सरकार में कराने का काम कीजिए, ऐसी हमारी कामना है।